अस्सलाम वालेकुम आर्ट्स इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम है। मैं सबा चौहान, आपको आज कल 9th क्लास का मैंने आपको ग्रामर का जो पोर्शन है वो शुरू करवाया था। सबसे पहले हमने उसमें कवायद देखी थी, कवायद की तारीफ देखी थी, फिर मैंने आपको इस्म और जमीर की डेफिनेशन यानी तारीफ बताई थी। आगे बढ़ते हुए हम आज सिफ्त विशेषण, जिसे हिंदी में विशेषण कहते हैं, सिफ्त। सिफ्त वो लफ्ज या कलमा है जिसमें किसी इस्म या जमीर की अच्छाई या बुराई बयान की जाए, उसे हम सिफ्त कहते हैं। यानी इस्म यानी संज्ञा, जमीर यानी सर्वनाम, और सिफ्त होता है आपका विशेषण उर्दू में। तो वो लफ्ज या कलमा जिसमें क्या है, हम इस्म और जमीर की अच्छाई बुराई बताते हैं, उसे ही हम सिफ्त कहते हैं। जैसे कच्चा आम, अब आम की क्या है, यहाँ बुराई बता रहा है, खूबी नहीं है। कच्चा आम अगर मीठा आम होता है इसकी जगह, तो वो क्या है, उसकी खूबी हो जाती है। यानी आम क्या है, यहाँ पर मीठा है, यहाँ पर मैंने क्या है, बुराई बता दी है कि आम जो है वो कच्चा है। इसी तरह से काली टोपी, अब टोपी कैसी है, काली है। चांद सा चेहरा यानी चांद के जैसा चेहरा, यानी उसकी खूबसूरती बयान कर रहे हैं यहाँ। यानी यहाँ पर हम क्या है, इस्म और जमीर की अच्छाई भी बताएंगे और इस्म और जमीर की बुराई भी बताएंगे। इसी तरह से फेल या वर्ब, जिसे इंग्लिश में आप वर्ब कहते हैं और हिंदी में क्रिया कहते हैं, उसे ही हम उर्दू में फेल कहते हैं। फेल का मतलब ही होता है काम। यानी फेल की जो डेफिनेशन देखते हैं, जो तारीफ देखते हैं, हम वो ऐसे देख सकते हैं कि वो लफ्ज या कलमा जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो, उसे हम फेल कहते हैं। जैसे लिखना, पढ़ना, चलना, सोना, यानी जो भी हम काम कर रहे हैं, काम ही क्या है, हमारा फेल है। यानी वो लफ्ज या कलमा जिससे किसी काम का करना या होना पाया जा रहा है, वही हमारा फेल होता है। जिसमें हमारे दिनचर्या के यानी पूरे दिन के रूटीन के जो भी काम हम कर रहे हैं, वही हमारे फेल हो जाएगा। जैसे लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, यानी ये सारा काम जो भी कर रहे हैं वो फेल में ही होता है। फिर है मुत्रादफ, यानी जिसे हिंदी में हम पर्यायवाची पर्यायवाची कहते हैं। यानी एक जैसे जो लफ्ज होते हैं, यानी मुत्रादफ वो अल्फाज जो एक जैसे मायने रखते हैं। यानी जैसे मैंने एक जैसा एक वर्ड दे दिया, उसी वर्ड लफ्ज को और क्या कहेंगे हम मायने होते हैं। यानी वो अल्फाज जो एक जैसे मायने रखते हैं, यानी हम मायने अल्फाज ही मुत्रादफ कहलाते हैं। मिसाल जैसे आंख है, आंख को और हम क्या कहेंगे, आंख के हम मायने क्या हो सकते हैं, नजर, चश्म, दीदा, बसर, यानी एक ही लफ्ज के और भी नाम। फिर मैंने यहाँ लिखा पानी, पानी को और क्या कहेंगे, हम अर्क भी कह सकते हैं, आब भी कह सकते हैं। यानी जो वो लफ्ज जो हम मायने हो यानी एक जैसे हो, यानी उनका सिर्फ क्या है, यहाँ पर पानी का मतलब ही पानी हो रहा है। यहाँ अर्क को भी हम पानी कह सकते हैं और आपको भी हम पानी कह सकते हैं। यानी हम मायने जो होते हैं अल्फाज, वही मुत्रादब कहलाते हैं। मैंने आपको सबसे पहले कवायद की तारीफ बताई थी, उसके बाद में इसमें जमीर बताए थे, उसके बाद मैं आपको सिफ्त, फेल और मुत्रादब बता रही हूँ। यहाँ मैंने इनकी डेफिनेशन लिख दी है, यहाँ इनकी तारीफ लिख दी है, मिसाल भी दे दी है। फिर भी आपको अगर समझ में नहीं आता है, तो व्हाट्सएप से स्कूल के जरिए जो आपका ग्रुप बना हुआ है, उसमें आप उससे पूछ सकते हो, या आप अपना काम नोटबुक में उतारे और नोटबुक में करें। जो आपकी क्लास 9th का जो स्टैंडर्ड है, उसमें यही ग्रामर के टॉपिक पूछे जाते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।